झारखंड का चुनाव ऐतिहासिक होगा और इस चुनाव का परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस चुनाव को इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा का हेलीकॉप्टर उतरा था, तो दूसरे तरफ राहुल गांधी और खड़गे जी का हेलीकॉप्टर उतरा था, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल का हेलीकॉप्टर उतरा था झारखंड की सरजमी में, ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर उतरा था झारखंड की सरजमी में, लेकिन एक 29 साल का लड़का टाइगर स्कॉर्पियो के छत से उन्हें चुनौती दे रहा था और उनकी चुनौतियों का सामना भी कर रहा था, ये इतिहास में लिखा जाएगा। परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका चुनाव का इतिहास में जरूर स्थान मिलेगा, इस बार का चुनाव ऐसा होने जा रहा है। होगा इस बार झारखंड में, पूरे झारखंड में घूम घूम करके आप लोग जो है पूरा माहौल बना रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस बार? देखिए, इस बार झारखंड से भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने वाली सरकारों को उखाड़ने की जरूरत है। इस बार झारखंड से झारखंड को लूटने वाले नेताओं मंत्रियों की विदाई का समय है। अगर इसी प्रकार अगर हम 24 साल हो गए हम मौन हैं और आगे भी अगर मौन रहे तो हमें लगता है कि शायद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अधिकार बचेगा ही नहीं इस राज्य में। आज CGL के अभ्यर्थी धरने पर हैं, आमरण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आखिर इस राज्य को हमारे पूर्वजों ने अलग किया ही क्यों था, आखिर इस राज्य को हमारे बाप दादाओं ने लड़कर मड़कर झगड़कर अलग किया ही क्यों था। आप हमारे हिस्से की नौकरी बेचेंगे, आप हमारे हिस्से की खेती बेचेंगे, आप हमारे हिस्से की ठेकेदारी बेचेंगे, आप हमारे हिस्से का कोयला बेचेंगे, बालू बेचेंगे, तो चंद परिवारों के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। यही हम लोग पूरे राज्य को बता रहे हैं कि झारखंड राज्य 3.5-3.75 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए बना था, उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उनके रोजगार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य बना था। पूर्व मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर से चारों तरफ दौड़ा करते हैं, आप बस स्कॉर्पियो के छत पर से दहाड़ रहे हैं, क्या लगता है कि कैसे होगा? कई स्टार प्रचारक होंगे उसमें, तो बस आप ही हैं कि देखिए झारखंड का चुनाव ऐतिहासिक होगा और इस चुनाव का परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस चुनाव को इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा का हेलीकॉप्टर उतरा था, तो दूसरे तरफ राहुल गांधी और खड़गे जी का हेलीकॉप्टर उतरा था, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल का हेलीकॉप्टर उतरा था झारखंड की सरजमी में, ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर उतरा था झारखंड की सरजमी में, लेकिन एक 29 साल का लड़का टाइगर स्कॉर्पियो के छत से उन्हें चुनौती दे रहा था और उनकी चुनौतियों का सामना भी कर रहा था, ये इतिहास में लिखा जाएगा। परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका चुनाव का इतिहास में जरूर स्थान मिलेगा, इस बार का चुनाव ऐसा होने जा रहा है। देखिए हमारे मैनिफेस्टो में इस राज्य को मजबूत करने के लिए, इस राज्य को सुरक्षित करने के लिए, इस राज्य के युवा किसानों को संरक्षण देने के लिए तमाम वो मुद्दे, जरूरत के जो नीतियां हैं वो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा बनेंगे। देखिए नो डाउट वो प्रभाव डालने के लिए योजना लेके आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब झारखंड के लोग बेवकूफ नहीं रहे, आप 5 साल में एक बार उन्हें याद करेंगे मैया सम्मान और गोगो दीदी के नाम पे, और उनके हिस्से की नौकरियां बेचेंगे प्रदेश वालों को। आज लैब टेक्नीशियन बहाली का क्या हुआ, आज PGT की बहाली का क्या हुआ, आज टीचर बहाली का क्या हुआ, आज जो तमाम बहालियां हैं, आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहाली का क्या हुआ, आज एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की बहाली का क्या हुआ, आप हमारी बहालियों को बेचेंगे प्रदेश वालों को और हमें देंगे 2000-1000 महीना प्रलोभन, ये नीति अब झारखंड स्वीकार नहीं करेगा। झारखंड यहाँ से खुद विधायक जो है वो मंत्री बन गई है, उसका असर क्या दिखेगा? देखिए ठीक है, देखिए ये हमले स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महागामा में हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। हमला उन्हीं पर होता है जो दमदार होते हैं, कमजोर लाचारों पे लोग हमले नहीं करते हैं, तो हमले हुए हैं, यानी हम लोग महागामा विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग सामना करने के लिए तैयार है, तैयारी हमारी महीनों पहले हो चुकी है, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार का जो चुनाव होगा। देखिए यहाँ सुबह 10 बजे से रात के 8 बज गए हैं, फिर भी लोग जुटे हुए हैं और भारी संख्या में जुटे हैं, नया जगह, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सुंदर प्यार मिला। और
देखिए, युवाओं के लिए बेहतर हम लोग जो पॉलिसी है उसको मजबूत करेंगे। 60-40 में फेरबदल किया जाएगा, जो प्राइवेट सेक्टर से वहाँ भी एक बेहतर नियोजन नीति स्थापित की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग आउटसोर्सिंग में एजेंसियों में झारखंडियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सर, अभी क्या मैसेज बदलाव, केवल और केवल बदलाव।